जी चलें। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन में भी आप लोगों ने पहले भी की हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ए स्केयर प्लस 3 ए बी माइनस 4 बी स्केयर। अच्छा ना, फैक्टराइजेशन जो है हमेशा अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन, इक्वेशन के लिए जो तौर पे वर्ड यूज किया जाता है, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास क्या आए? एक्स स्क्वायर आए। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या आए? 2। क्वाड्रेटिक, क्वाड वर्ड निकला है 2 से, 2 मीन यानी कि जिसकी डिग्री या पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है हमारे पास मैक्सिमम कितना आए जी? 2 आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया और सी आ गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के ना 4 मेथड हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड आ जाता है फैक्टराइजेशन। जिसमें सबसे पहला मेथड आ जाता है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट तो नहीं है वर्ड, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं? ए यूज हो रहा है और दूसरा कौन सा है? ये यहाँ पे ए ही वेरिएबल के तौर पर यूज होगा, ठीक है। अब ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी माइनस 4 बी स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, इनकी फैक्टराइजेशन अब कैसे करेंगे? आपने क्या करना है कि हमारे पास ए स्क्वायर को लेट कर लेना। आइए जस्ट मैं आपको समझाने के लिए राइट आउट करने लगा हूं, आपने नहीं नोट करना ये चीज। ए स्क्वायर को आप कह दो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पे ये 3b जो है, ये 3b ए की वैल्यू क्या हो गई? एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉन्स्टेंट कहलाएगा, 4b स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 4b² को c के तौर पे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अच्छा, इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते होते हैं कि कांस्टेंट को x² का जो कॉफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई करना। कांस्टेंट को x² के कॉफिशियंट से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। जो वैल्यू आनी उसको हमने उसके फैक्टर्स ड्रॉ करने, उसके फैक्टर्स इस तरह ड्रॉ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आए, और प्लस या माइनस करें एक्स का जो कॉफिशियंट है वो आना चाहिए हमारे पास। कैसे? ये मैं रेज करने लगा हूं यहां से, अभी मैं बताता हूं। अब यहां पे हमारे पास कॉफिशियंट क्या है? 4b² हमने कॉफिशियंट लिया, 4 को ही, अकेला 4 है नंबर हमारे पास, ठीक है। तो 4 को x² यानी कि a² का कॉफिशियंट क्या है? 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4 हमारे पास क्या आया? 4। हमने दो ऐसे फैक्टर ऑफ ड्रॉ करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस या माइनस करें तो एक्स का यानी कि ये जो सेंटर में वैल्यू है उसका कॉफिशियंट आना चाहिए, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। फॉर एग्जांपल अब देखो 4 है, 4 के मैंने फैक्टर्स ड्रॉ किए, 4 के फैक्टर्स आते हैं 2 2 4, लेकिन 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, और सॉरी 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। 3 तो हमारे पास नहीं आया, ये फैक्टर यानी कि हम नहीं यूज कर सकते। सेकंड फैक्टर मैंने देखा कि 4 जो है, 4 1 4 क्या होता है? 4। 4 माइनस 1 क्या होगा? 3 बन गया फैक्टर। यानी कि बार बार रिपीट कर रहा हूं, कांस्टेंट को क्या करना? x² यानी कि फर्स्ट वेरिएबल जो है उसके कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर ड्रॉ करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही फैक्टर आए, प्लस या माइनस करने से हमारे पास जो सेंटर में जो वैल्यू है उसका कॉफिशियंट आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने देखा 2 2 4, लेकिन 2 प्लस 2 होता है 4, 2 माइनस 2 0, यानी कि ये फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर मैंने देखा 4 1 4, 4 माइनस 1 क्या होता है? 3। तो ये हमारे पास फैक्टर एग्जैक्ट है। राइट आउट कैसे करना है? फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, a² हमारे पास एज इट इज, लास्ट फैक्टर भी एज इट इज, 4b² एज इट इज। अब यहाँ पे हमने 3ab के फैक्टर्स राइट आउट करने हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं। क्या आता है? 4 माइनस 1 क्या होता है जी? 3। हमने ab भी साइड साथ राइट आउट करना, यानी कि 4ab माइनस 1ab हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3ab, ठीक हो गया।
तो मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स राइट आउट किए, यानी कि क्या आएगा प्लस 4ab और माइनस का क्या आएगा जी 1ab1 हम राइट आउट नहीं करते, ये हमारे पास इसके फैक्टर ड्रॉ हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड को मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, ये जस्ट रफ वर्क था। ठीक है, अब देखो कि अब इनमें के क्या करना है, फैक्टर्स जब राइट आउट हो जाए, अब हमारे पास फोर फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन, सेकंड टू वैल्यूज में से कॉमन। ठीक हो गया, फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ए कॉमन आ रहा है, देखो ना ए स्क्वेयर इधर ए है, ए हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, ए स्क्वेयर में से ए फाइव वाई चला गया, सिंगल ए रह गया हमारे पास, प्लस 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 4ab में से a बाहर चला गया, 4b रह गया हमारे पास। ठीक है, ये माइनस का साइन आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये ab है, ये 4b स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या है, b कॉमन है, b हमारे पास कॉमन आ गया, इसमें से b निकल गया, a रह गया। अच्छा, यहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस, इसमें से 4b स्क्वायर में से 1b बाहर चला गया, 4b आ गया। क्लियर, हमारे पास फैक्टराइजेशन तब ठीक होती है अगर ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम आए, सेम साइन हो, अगर इधर प्लस में है तो इधर भी प्लस में, माइनस में है तो माइनस में होना चाहिए, अगर ये सेम है तो आपके फैक्टर्स ठीक हैं, अगर ये सेम नहीं है तो मीन के आपके फैक्टर्स में मिस्टेक है, जो कि आपने मिस्टेक की है। ठीक है, तो दोबारा आपने फिर फैक्टर ड्रॉ करने, चेक करना कहाँ पे मिस्टेक है, हमेशा फैक्टराइजेशन में ये दोनों फैक्टर्स के आते हैं सेम आएंगे, जो सेम फैक्टर्स आते हैं उनको वन टाइम आपने राइट आउट कर देना, यानी कि क्या आ जाना ए प्लस 4b, ये वन टाइम राइट आउट हो गया इन दोनों का। अब सिंगल क्या रह गया, ये वाला a इनटू a और ये माइनस b रह गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है क्लियरली पूछ लेना है बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है सर, हमने जब ये नीट नोटबुक पे तो आने सारे क्वेश्चंस, तो उसके साथ हमने रेफर भी करना है। जी बच्चे, रफ वर्क ये वाला कर लो, जो ये मैं फैक्टर्स ड्रॉ करता होता हूँ ना, ये आपको पता रहेगा कि ये फैक्टर्स आए कैसे हैं। ठीक है, ये ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट जो है वो मैं राइट आउट करने लगा हूं। अब इसमें भी वही रूल, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इधर 21 आ रहा है, 21 को सी स्केयर का कॉफिशियंट क्या है हमारे पास, कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 21। अच्छा, जब बड़ी वैल्यू आ जाए ना, उसके बड़े फैक्टर्स जो है ना, वो क्लियरली आप राइट आउट करो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो इसके, कैसे होगी, 3 7 21 7 1 7, यही दो फैक्टर्स बनेंगे, 3 7 हमारे पास क्या होता है 21, 7 3 तो आंसर क्या होता है 21। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए, अब इनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब मैं ये करता हूँ, 7 3 क्या होता है जी 4। ठीक है, अब यहाँ पे बात सर मेरा हो गया। जी जी वेरी गुड, अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है कि -4cd चाहिए हमारे पास, इधर क्या आ रहा है प्लस का 4, तो हमारे पास रूल होता है जो लार्ज वैल्यू होती है उसके साथ माइनस का साइन लगा दें और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, तो -4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो फैक्टर्स आपने राइट आउट कैसे करने हैं, ये वाला सी स्क्वायर एज इट इज, लास्ट -21 भी एज इट इज, इसकी जगह आ जाना -7cd और प्लस का 3cd। क्लियर क्लियर, अब इनका प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन, 7 3 4cd आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर्स ड्रॉ हो गए। अब फर्स्ट टू में से कॉमन, सेकंड टू में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ गया, सी बाय निकला सी रह गया, -c/c 7d आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब इन दोनों में से कॉमन, ये प्लस का साइन प्लस का साइन, 3 and 21, 3 और 21 किसके टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 3 भी कॉमन आ गया और इसमें सी डी है और डी स्क्वायर और डी भी कॉमन आ गया, 3 भी बाहर निकला, डी भी बाहर निकल गया, सी रह गया हमारे पास, -3 7 21 और डी स्क्वायर में से 1 भी बाहर निकला, डी आ गया। फैक्टराइजेशन तब ठीक है जब ये दोनों फैक्टर्स क्या आए, सेम आए, अगर सेम ना हो तो फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। तो ये सेम आ गए, इनको वन टाइम राइट, सी -7d
और इनटू ये वाला सी आ गया माइनस ये हो प्लस 3d आ गया, दिस इज द आंसर। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरा c प्लस 7d c माइनस 3d आ रहा था। बच्चे यहाँ पे आपने मिस्टेक किया, फिर वही तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ना माइनस 4cd है, आप यहाँ पे इसे प्लस में ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस में ले रहे हैं, ठीक है? तो वो मिस्टेक से आपका यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक हो गया ना? तो इसलिए माइनस में ले रहा, इधर 7cd माइनस में आएगा, प्लस का 3cd आएगा, क्योंकि हमने माइनस का 4cd लेना है ना, हमेशा साइन भी साथ रखते हैं। आप देखो ना, अगर लिखेंगे 7cd माइनस 3cd तो आंसर आएगा प्लस का 4cd, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 4cd, तो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ से माइनस आएगा, छोटी के साथ प्लस आएगा, फिर माइनस 4cd आएगा हमारे पास। सर ये c प्लस 3d कैसे आता है, ये वाला पार्ट समझा दे, एंड पे जो c प्लस 3d आता है ना वो समझा दे। ये वाला बच्चे, ये दोनों सेम है फैक्टर्स, इनको वन टाइम कर दिया, ये सेम फैक्टर्स आ गए। yes. दूसरा ये वाला सी आ गया, प्लस का 3d ये वाला आ गया। ओके ओके सर जी, ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा। अब आ गया ये ऐसे क्वेश्चन, ये मुश्किल है। हाँ चलिए मैं सारे करवा देता हूँ, मैं सारे पार्ट करवा देता हूँ। माइनस का 15k2, इसमें भी अब देखो फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, सॉरी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या है, 15। 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 टू जा 30, 30 के मैं फैक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ये फैक्टर्स मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, 2 1 2 1 carry 2 5 15 2 5 10 15 2 30 होता है, अब 3 पे 3 5 15 और 5 1 5, ठीक हो गया? अब मैंने फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब मेरे पास फैक्टर है 2 × 3 × 5, आंसर होता है 30। अच्छा ये जरा मेथड चेक कर लो, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको इस तरह फैक्टर्स ड्रॉ करना, डायरेक्ट आपको वो रट्टा सिस्टम बताते होते हैं जो कि आपके माइंड से निकल जाता है। अब मुझे बताया कि इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आता है। अब मैंने इनको ही आपस में इस तरह सीक्वेंस में रख के मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास दो फैक्टर बचे और आंसर उनका 30 ही होगा, लेकिन प्लस माइनस करने पर 7 आए। किस तरह, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 6 × 5, आंसर तो 30 होता है, लेकिन मैंने चेक किया 6 − 5 आंसर क्या आता है 1, और 6 + 5 आंसर क्या आता है मेरे पास, ये आएगा 11, तो मतलब ये फैक्टर रॉन्ग है। मैंने इनको अब मल्टीप्लाई किया था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई 3 5 15, 15 2 क्या होता है 30। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करो, 15 − 2 13 आएगा, 15 + 2 17 आएगा, 7 तो आ नहीं रहा। अब इन दोनों को भी कर लिया, इन दोनों को भी कर लिया, अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 और ये वाला 3 रह गया, 10 × 3 आंसर क्या होता है 30, और 10 − 3 क्या होता है 7 आ गया। समझ आई बात की? बाज ऑफ अ माइंड में पता क्या होता है कि बता इस तरह बड़ी वैल्यू है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। अब मुझे पता है कि यही जो फैक्टर्स है ना मेरे पास, सेम फैक्टर्स, इन्हीं में से इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करके इसी में से ही फैक्टर्स राइट आउट होने हैं, तो इसलिए मैंने इन्हीं को ही लेके चलना है, कोई और फैक्टर आपने देखना ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये मैं रेज कर रहा हूँ सर। तो मेरे पास 10 × 3 जो है वो फैक्टर्स ड्रॉ हुए, तो फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, 2h² एज इट इज, माइनस 15k² एज इट इज, और इसकी जगह मैंने अब प्लस का 7 चाहिए ना, प्लस का 10hk और माइनस का 3hk, ये आ गया। क्लियर? अब इनमें से कॉमन, फर्स्ट टू में से कॉमन, सेकंड टू में से कॉमन,
इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, टू और टेन किसके टेबल में जाते हैं, टू के टेबल में, टू भी कॉमन आ गया, एच स्क्वायर और एच एच कॉमन आ गया, टू भी बाहर एक एच भी बाहर, एच रह गया, प्लस का साइन, टू फाइव जा टेन, एच बाहर चला गया, के रह गया हमारे पास, ठीक है, ये माइनस का साइन, माइनस का साइन, थ्री एच के माइनस फिफ्टीन के स्क्वायर, थ्री और फिफ्टीन किसके टेबल में जाते हैं, थ्री के टेबल में जा रहे हैं, और ये एच के और ये के स्क्वायर, के इसमें और कॉमन आ गया, थ्री भी बाहर के भी बाहर एच रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, थ्री फाइव आर फिफ्टीन, और साथ में हमारे पास के स्क्वायर में से एक के बाहर चला गया, के रह गया, और ये हमारा आंसर आ। देखो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तुम्हारी फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर ये सेम ना आए तो फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। तुम्हारे पास आ गया एच प्लस फाइव के इंटू टू एच माइनस थ्री के, ये दोनों सेम है वन टाइम, दूसरा ये वाला टू एच माइनस ये वाला थ्री के आ गया, आ रहा हूँ एक्स्ट्रा रहने दो उसकी रीजन, जो बाकी थे थ्री, हाँ जो जिसको आते हैं वो कर ले, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, ये बी पार्ट में रेज करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बाकियों को इश्यू है ना, वो कह रहे सर मुश्किल है, तो इसलिए मैं सारे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है सर, अगली क्लास में करा देना सॉल्व, हाँ ये एक कर लें, डी पार्ट कर लें, ओके, ये लास्ट सर। है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी है, एंड हो रहा है, थ्री एम स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एम एन, सिक्सटीन एम एन और माइनस ट्वेल्व एम स्क्वायर, सेम वही 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 थ्री जा 36, 36 के मैंने फैक्टर्स यहाँ पे राइट होती है, 3 पे 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 2 पे 2 6 जा 2, 3 जा और 3 वन जा, ये फैक्टर्स आए मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या होता है जी 36। अच्छा ये तो देखो ये फैक्टर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ, अब मेरे पास फोर फैक्टर्स है, वन टू थ्री फोर, फर्स्ट टू को मैंने मल्टीप्लाई किया, थ्री टू जार सिक्स मल्टीप्लाई, थ्री थ्री टू जार सिक्स, सिक्स सिक्स जार 36, लेकिन सिक्स प्लस सिक्स क्या होता है 12, मुझे तो 16 चाहिए, मतलब ये फैक्टर्स नहीं ठीक, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, अब मैंने क्या किया, थ्री थ्री जार नाइन मल्टीप्लाई टू टू जार फोर इक्वल टू 36, नाइन प्लस फोर क्या होता है मेरे पास 13, 16 तो फिर नहीं आ रहा, अब टू टू को तो कर लिया मैं, थ्री थ्री को करता हूँ, ये थ्री तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स टू जार ट्वेल्व, ट्वेल्व मल्टीप्लाई थ्री तो आंसर मेरे पास 36, लेकिन 12 प्लस थ्री कितना होता है 15 होता है, फिर नहीं फैक्टर आ रहा, अब मैंने क्या किया, मैंने देखो कि अब ये थ्री थ्री जार नाइन, नाइन टू जार 18, 18 मल्टीप्लाई टू आंसर क्या होता है 36, अब 18 माइनस 2 आंसर क्या आएगा 16, समझ आई बात की, यानी कि इन्हीं में से ही मैं फैक्टर उठा के लिख रहा हूँ, यानी कि हमारे पास फैक्टर ये वाले दो आएंगे, ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग है, यानी कि 18 टू जा 36, 18 माइनस 2 क्या होगा 16 होगा, क्लियर सर, लेकिन वो तो माइनस 16 है, हाँ तो वही ना मैं भी बताता हूँ ना, ये माइनस 16 कैसे हो जाएगा, अभी ये देखो 18 माइनस 2 आंसर 16 है, तो मेरे पास मुझे माइनस क्या चाहिए, तो लार्ज वैल्यू के साथ माइनस, छोटी वैल्यू के साथ प्लस, तो माइनस 16 आ जाएगा, समझ आई बात की, लें जी, अब फर्स्ट फैक्टर एज इट इज 3m स्क्वायर एज इट इज, लास्ट फैक्टर माइनस 12n स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह आ गया माइनस का 18mn और प्लस का 2mn, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, थ्री और एटीन किसके टेबल में आते हैं थ्री के, एम स्क्वायर और एम, एम कॉमन आ गया, थ्री भी बाहर एक एम भी बाहर एम रह गया, माइनस थ्री सिक्स आर 18 और एम बाहर चला गया एन आ गया हमारे पास, प्लस का साइन, प्लस का साइन, टू एम एन में से 12 एन स्क्वायर, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है टू, एम एन और एन स्क्वायर में से एन कॉमन, टू भी बाहर एन भी बाहर एम रह गया, प्लस माइनस माइनस, टू सिक्स आर 12 एन स्क्वायर में से एन कॉमन निकला एन रह गया, ठीक है, अब यहां पे देखा कि हमारे पास एम माइनस सिक्स एन, एम माइनस सिक्स एन सेम है, तो इनको वन टाइम राइट आउट कर दिया एम माइनस सिक्स एन,
और ये वाला 3m आ गया, प्लस का ये वाला 2n आ गया, ये हमारे पास फैक्टर्स ड्रॉ हो गया।